थोड़ा ऊंचा सर, सुनीता के साथ कौन है? हाँ एक बार आइए, डॉक्टर आपसे बात करना चाहते हैं। हमने मशीन पे भी लगाया, साथ सपोर्ट भी दी, सारे डॉक्टर्स की टीम को भी बुला लिया, लेकिन उनको हम बचा नहीं पाए। लास्ट ऑप्शन पे आप बोल रहे हो कि ब्लीडिंग ज्यादा, ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से। पर आपने पहले क्यों नहीं बोला ये सब? आप लास्ट नहीं, बीच बीच में हमने बुला करके सारे एक्सप्लेन करा है और बीच में साइन भी लिए गए हैं क्रिटिकल कंडीशन का, हाई रिस्क बता दिया गया है हर दो दो घंटे में, बट पूरी कोशिश करने के बाद में भी हम उनको बचा नहीं सके। पानी छोड़ो, क्या हुआ ये बताओ? नहीं रहे, क्यों नहीं रहे? फोन वोन कुछ किया नहीं आपने? ऐसे कैसे कह सकते हो इस दुनिया में नहीं रहे? पूरी कोशिश करी, उसमें इतना कोशिश करी जब हम लेकर आए थे पेशेंट को, हमारा पेशेंट तो ठीक ठाक था। नहीं ठीक था, अगर ठीक होता तो ऐसा नहीं होता। तो आपने सारी से पहले बताया, सारा चीज एक्सप्लेन कराया और बीच बीच में एक्सप्लेन करते हैं। कोई कॉल नहीं आया हमारे पास, हमारी फोन रिसीव चेक कर लीजिए, कोई फोन नहीं आया हमारे पास। शांत हो जाइए, बैठ जाइए, शांत हो, कुछ नहीं होना है। सुनिए, नहीं कुछ नहीं सुनना, हमारा पेशेंट ऐसे कैसे जा सकता है? सही कह रहे हो, मैं बात कर रहा हूँ। क्यों बैठे हम? आपका पेशेंट मर जाएगा, आप बैठ जाओगे आईसीयू में, कोड वाई नंबर 4। नहीं हम नहीं बैठेंगे, बिल्डिंग आईसीयू कोड नंबर 4, बिल्डिंग आप बात कर रहे हो बताने की? मैम सुबह जब डॉक्टर आए थे तब बुलाया गया था। सुबह डॉक्टर एक बार भी हमें अंदर बुला के विजिट तक नहीं करवाई है हमारी। आप बात कर रहे हो कि बुलाया था, हमें तो बुलाया ही नहीं है, मिलने का टाइम ही नहीं दिया। इवन हम गए तो आई सी गेट वाले ने हमें घुसने नहीं दिया है। शांति कैसे बनाए? आपका पेशेंट चला जाएगा, आप शांति बना लोगे? ठीक है मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं भी आपकी जगह होती हो सकता है मैं आपसे ज्यादा हैरान होती, बट अभी के लिए थोड़ा सा शांत हो जाइए। यहाँ पर और भी पेशेंट भी और पेशेंट, आप ठीक है आपकी बात समझ आपकी बात समझ रही हूँ मैं। ऐसा आप 100 नंबर पे फोन कर रहे हैं, पुलिस बुलाओ, दो टायर कर दो भगत चंद्रा की। क्या हुआ डॉक्टर जी नहीं बोलेंगे? ये बोल देते मैम लड़ाई हो जाती है। बोलना का मतलब ये थोड़ी ना कि लड़ने वाली बात ही बोलना है, मुझे इस तरह से बोलना है कि मैं इनको लेट्स डू द रोल प्ले अगेन, आप ही आओ। ठीक है ये साफ थोड़ा उधर हो जाओ, मैं इसे बुला लूंगी बाहर से, क्या बताऊंगी। मैं स्टाफ को नहीं भेज रही हूँ कि पेशेंट के अटेंडेंट को बुला के लेके आऊँ, कि बहुत ही क्रिटिकल न्यूज है तो मैं खुद बाहर जा रही हूँ। अच्छा रितिका, आप सुनीता की बेटी हैं? हाँ जी। आपके साथ कौन है, भाई है आपके? नहीं सिस्टर है। सिस्टर, अच्छा ये और भी कोई है यहाँ पे अभी? नहीं। आप 2 मिनट अंदर आ जाओ, मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। आ जाओ सब आ जाओ। Always make them sit. If you will make them sit, you will see a health change in their behavior. Mm-hmm.
देखा आपने उनको कुछ देखा आवाज नहीं नहीं बोल रही थी हमारी नाउ सी डोंट आर्ग्यू फॉर द सेक ऑफ अर अगर पेशेंट की कंडीशन अनकॉन्शियस है और पेशेंट उस पर है वेंटिलेटर पे है तो पेशेंट बोल नहीं सकता सो डोंट गिव एनी कॉन्ट्राडिक्टरी दिस थिंग बट अदरवाइज यू कैन एलेज कि आपने बताया नहीं वो जो मर्जी हो लेकिन ये ध्यान रखो आप भी गए थे मैंने आपको भी भेजा था अंदर आप देख कराए थे मम्मी ख्याल रखे थे कैसा लगा था बिल्कुल अच्छी एक्चुअली कल से ही उनकी हालत भी ख़राब था इसीलिए कल शाम को वेंटिलेटर पर भी लगाया था और बाकी भी दवाइयाँ जो चल रही हैं लाइफ सेविंग दवाइयाँ होती हैं जिससे उम्मीद करते हैं कि ब्लड प्रेशर ऊपर आ जाएगा किडनी काम करने लग जाएगी सब दवाइयाँ उनको दे रहे थे पर अभी उनकी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब हो गया तब तक कि उनका जो है अभी हार्ट भी काम करना बंद कर दिया अभी अंदर जो है टीम जो है पूरी कोशिश कर रही है उनको बचाने की जैसे धक्का देने की कोशिश करते चलाने की और सांस भी देने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगा मैं एक बार आपको ज़रूर बताऊं कि उनकी बहुत क्रिटिकल है ये सब और अंदर से हमें कोई फ़ोन ही नहीं आया कि हमारे पेशेंट की हालत बिगड़ती जा रही है बेटा मैंने इसीलिए तो आपको बुलाया है मैं तो फ़ोन करके अगर आपको बुला दी तो आपको ये नहीं पता था किसके पास जाओ इसलिए मैं खुद आपको बाहर बुलाने के लिए आई हूँ कि मैं आपसे डायरेक्ट बात करूँ और आपको तो मैं दो तीन बार पहले भी मिल चुकी हूँ आपसे भी मिल चुकी हूँ दो तीन दिन से लगातार आपसे मेरी बात हो ही रही है कल ही से हालत तो कल ही से ख़राब थी पर हम उम्मीद कर रहे थे कि 24 घंटे के बाद थोड़ा सा रिवाइव हो जाएंगी पर अभी कंडीशन बहुत ख़राब है और अभी उनका दिल की धड़कन बंद हो गई है पर सांस भी नहीं चल रहा तो अगर अंदर लगे हुए हैं डॉक्टर्स और पूरी टीम अंदर काम कर रही है पर बचने की उन्हें बिल्कुल ना के बराबर है आप ये बताइए कि कोशिश है या पेशेंट हमारा बस हमें पूरी कमिटमेंट चाहिए या आप लास्ट मोमेंट में कह रहे हो ये चीज़ें आप पहले क्लियर क्यों नहीं करते आप बिल पे बिल हर चीज़ आप लेते हो मेरे जो भी प्रॉब्लम है बट आप पहले क्यों नहीं बताते हो आपको हमेशा बुलाकर दिखा भी रहे हैं पेशेंट को और जो भी उस वक्त अटेंडेंट होता है उसको बुलाकर बताया जाता है देखो ये मेरे पास फाइल है बकायदा शाम को शायद आपके ब्रदर थे यहाँ पे उनको मैंने बुलाकर उनको सारी कंडीशन दिखाई पेशेंट भी दिखाया देखो ये मैंने भी साइन करा मैं उन्होंने भी साइन करा तो ऐसा नहीं है बेटा कि नहीं बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे आपको तो हम बताना चाहेंगे कि अगर कंडीशन स्पेशली अगर ठीक नहीं है तो जितनी चिंता आपको उतनी चिंता हमें है मैं ज़रूर आपको बताऊँगी कि कंडीशन ख़राब है जैसे उनकी तबीयत ख़राब हुई है अंदर वो लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो मैंने इमीजिएटली आपको बुलाकर बताया मैडम लास्ट मोमेंट पे बताया सुबह से कॉल भी नहीं किया ना अब देखो ना शी इज ना व्हाट इज दिस डिनायल सुबह से नहीं बताया डिनायल नॉट एक्सेप्ट मैं आपको ये बताया क्यों नहीं तू बताया था दीपक के उसके साइन है तुम्हारे भाई के कितनी बार विल दिस हेल्प देन अगेन आई से कि बच्चे बताया है आपको भी बताया आप देख कर भी आए हो मैं समझ रही हूँ आपकी मदर है तो ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है और आपकी एज भी बहुत छोटी है एक चीज़ बर्दाश्त करने वाली नहीं है मैं समझती हूँ पर जो सच्चाई है वो आपके सामने है पूरी तीन दिन से हमारे सारे डॉक्टर्स नर्सेस पूरी कोशिश कर रहे हैं बचाने की लेकिन पेशेंट का शरीर भी दवाई का इफेक्ट दिखाए चेंजेस आए हम भी यही चाहते हैं जैसे आप चाहते हैं उनको बचाना हम भी यही चाहते थे कि हम बचा पाए अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि जो बेस्ट है वो हम करें बाकी रिजल्ट क्या होगा ना ही आपको पता है ना हमें Now you see, the explanation I am giving, she has no answer. Yes. Because this is something they are not prepared. अभी इनको ये नहीं पता है कि इनका पेशेंट का एक्सपायर हो गया है। हाँ, मैंने ये बोला है कि उनका दिल की धड़कन बंद हो गई है। अब आप इनको ये बता दीजिए कि पेशेंट आपका एक्सपायर हो गया है। बता दीजिए। अभी कोई सा कोई भी आपने बताया? Be as aggressive as you want. It's okay. I'm okay with it. अच्छा, suppose कि मुझे आके किसी ने आपने बता दिया आके कि फाइनली बता दीजिए। मैं वहीं बैठी आप सिर्फ अपनी रिएक्शन थोड़ी स्लो कर लेंगे ना इवन दैट विल हैपन मेरी कैसे खड़े हो गए बैठो 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 नहीं आई एम नॉट सेइंग सिक आई एम नॉट सेइंग आई एम अलाउइंग देम टू रिएक्ट
मैं इधर बैठी हूँ, आपकी आवाज में इतना वो हो कि सामने वाला आपको रिफ्यूज ना करना है, मेच्योरिटी हो, कॉन्फिडेंस हो. मैं नहीं इनको कह रही, मेरे आप मेरे डर से तो नहीं बैठे ना, बट यू फील लाइक सिटिंग बिकॉज द वे आई एम टॉकिंग यू आर फीलिंग आई एम वन विद यू, आई एम वन विद यू. लाइक जो तकलीफ आप पर है उतना ही दूर. ब्रदर कहाँ है इस वक्त आपके? आप दोनों अकेले हो यहाँ पे? एक बार एक भैया को फोन करके बुला लें, दे आर नॉट एबल टू रिएक्ट. अब तो जब इट्स ओवर, जो रिएक्ट करना कर लो, आप दोनों जो रिएक्ट करना. I think this is one skill. अगर हमें आ जाए how to break.